तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल पे कोलकाता गेमिंग स्क्वाड। तो वादे के मुताबिक आज हम आपको सबसे पहले जो है वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे जो हमारा रैंडम गिव अप है उस पर टाई हो चुका है, तो उसके बारे में मैं आपको लास्ट में अपडेट करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपनी जो नई इनक्यूबेटर आई हुई है मैं आपको उसके बारे में बता जाना हो, तो मैं कहना चाहूँगा एकदम ही ख़तरनाक इनक्यूबेटर आई हुई है। और ये इनक्यूबेटर तो मैं पक्का लेने वाला हूँ। तो ये इनके बहुत ही भयानक इनक्यूबेटर है गाइस, क्या मस्त इनक्यूबेटर है। उसके साथ आपको हम दिखाएंगे जो हमारा देसी रामपुरी चाकू है जो कि है क्रिमिनल कर्ल, उसे मैंने टॉप अप के थ्रू लिया है। बट मुझे वो जो प्रांग स्किन है वो अच्छी नहीं लगी, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद हमारा हिस्टीरिया स्केस है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। साथ में आप जो हमारा मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट हुआ है तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये सब वीडियो आपके बारे में, ये सब इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो उससे पहले गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को विनोद कर दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे जो कस्टम कार्ड का जो टूर्नामेंट है उस पे ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइस जिन्होंने अभी तक कर लिया है सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है रामपुरी चाकू। तो रामपुरी चाकू जो है ये आप देख सकते हैं 300 डायमंड का टॉप अप पे ये मुझे मिला था। तो रामपुरी चाकू तो देखिए ये घूम रहा है रामपुरी चाकू, तो मुझे तो अच्छा ही लगा। लेकिन इसमें कुछ एनिमेशंस वगैरह तो मुझे देखने को मिले नहीं, बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मेरे वॉल्ट में है, मैं आपको इसको इक्विप करके दिखाने वाला हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। तो वो रामपुरी चाकू, चलो भाई आ जाओ। हाँ चलिए, तो रामपुरी चाकू जो कि प्रांग की स्किन है तो इसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए रामपुरी चाकू तो कुछ भी खास नहीं है, जो क्योंकि पिछला प्रांग का जो स्किन जो कि फ्री फायर ने मुझे दिया था वो काफ़ी अच्छा था, जो कि फ्री में मिला था। ये तो खैर ठीक है, लेजेंडरी आइटम है, मिली मुझे, लेकिन उतनी खास नहीं है। अगर आपको लेने का मन है तो आज आखिरी डेट है 18 अगस्त, आप उसमें ले सकते हैं। लेकिन मेरा जैसा मानना है कि पैसा वेस्ट है गाइस, बिल्कुल भी ना लें। तो उसके बाद हमारी जा रही है हिस्टीरिया स्केस। तो मैंने रात में एक अपडेट एक स्पिन मारा था, मुझे एक स्पिन में लग गई थी, मेरा 92 का लक था तो उसमें मुझे ये मिली। तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि गन की जो ट्रिक्स एंड जो टिप्स और ट्रिक्स जो है उसके बारे में। तो वो आप प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में जानना है कि आपको वेपन रॉयल की स्किन की कैसे मिल सकती है और कितने कम से कम डायमंड में आपको मिल सकती है, तो प्लीज़ हमें मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मैंने बहुत सारे गन्स इसी तरह से क्रेट खोलकर या वेपन रॉयल से कलेक्ट किए हैं, तो ये ज़्यादा कुछ सीरियस बात तो नहीं है गाइस, ज़्यादा कुछ माथा पच्ची का नहीं है, आराम से आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, सबके बारे में हेल्प करूंगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को के साथ बने रहें और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको ला के देंगे। तो ये लीजिए हमारा हिस्टीरिया स्केस। तो इसमें आप देख सकते हैं डबल डैमेज, एक्यूरेसी सिंगल, और साथ में मैगजीन भी डाउन है। तो मैगजीन से क्या मतलब, इसमें गाइस 412 का हेड लगता है, अगर आपने हेड मार दिया मतलब समझ लीजिए कि बंदा डाउन, और 105 का वो आप नॉर्मल हेड लगेगा। तो मेरे ख्याल से 2 गोली में बंदा खलास। तो हमारी जो सबसे धांसू अपडेट जो आग निकल के आई है वो है इनक्यूबेटर, जो कि कह सकते हैं कि जहर से भी बढ़कर जहर है। आप देख सकते हैं इसमें द बिग बक्स रैपर, फिर आप ये पहले ये वीडियो देख लीजिए गाइस, ये वीडियो आप देखिए क्या बनाया है वीडियो को, इसमें देखिए ओ, इसमें आप हाथ में देख सकते हैं कि जो मेल बंडल उसके हाथ में है VSS का स्किन है। तो ये मुझे लग रहा है ये VSS की स्किन आपको जल्द ही कुछ एक स्पिन इवेंट में देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको अगले अपडेट में बताऊंगा। तो उससे पहले आप देख लीजिए,
तो इसमें मेरे पास तो 2 स्टोन ऑलरेडी है, मुझे ब्लूप्रिंट चाहिए। तभी मेरे पास कोई कूपन नहीं है, मैं डायमंड यूज़ अभी नहीं करूँगा, मैं कूपन के थ्रू ही ब्लूप्रिंट निकालूंगा। मैं उसकी भी टिप्स और ट्रिक्स आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले द बिग बक्स रैपर, फिर देख रहे द बिग बक्स वाइप, ये 2 बंडल है जो कि टॉप के बंडल है, 7-3 के एक्सचेंज पर आपको ये मिलने वाला है। तो ये तो मुझे बहुत, यही मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद वाला जो है इसमें आप देख सकते हैं, ये तो द जोकर है, सही है, ये बंडल भी सही है, बट 1 नंबर वाली बंडल तो खैर भाई क्या बोलो, एकदम माइंड ब्लोइंग एकदम माइंड ब्लोइंग बोले तो एकदम विनोद है। तो उसके बाद है जोकर रैपर, द जोकर वाइब, द नेमेसिस। मुझे लग रहा है गाइस कि जैसे मेरी स्थिति है, मुझे नेमेसिस वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि 3 ब्लूप्रिंट निकालना बहुत मुश्किल है, ये लक के ऊपर डिपेंड करती है। और इसके साथ बता दूं कि ये आपको एपोकलिप्टिक वाली, ये जो आपकी M1014 वाली जो गन है, अगर किसी ने M1014 नहीं अभी तक एक्सचेंज किया है तो ये अभी भी अवेलेबल है, आप इसे ज़रूर एक्सचेंज कर लें, क्योंकि ये फिर कुछ दिन बाद हो सकता है चली जाए। तो जब है तो गाइस ले लो यार, क्या दे रही है गरीना अभी भी। तो पहली बार मैंने देखा कि पिछला पुराना वाला इनक्यूबेटर भी साथ में रखा हुआ है, क्योंकि ये गन रेयर है और बहुत रेयर गन है। सबने ये ग्रीन वाला निकाला है, मैंने ये येलो वाला निकाला है, गोल्डन वाला, तो आप भी निकाल लो और इनक्यूबेटर के पे ज़रूर से ज़रूर स्पिन करो गाइस। तो और एक मैजिक क्यूब से निकल के अपडेट आ रही है कि LC कमांडर और LC कोलोनल आ चुकी है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि LC कमांडर और LC कोलोनल आपको आने वाली है और ये अपडेट हो चुकी है। तो जिसको भी कमांडर बनना है और जिसको भी कोलोनल बनना है, तो प्लीज़ मैजिक क्यूब का इस्तेमाल करें, मैजिक क्यूब के थ्रू इसे एक्सचेंज कर लें। बहुत ही, तो रैंडम गिव अवे का जो 2 नाम आए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये 2 नाम प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर लें हमारे फ़ोन नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, और अपना प्राइज मनी ले लें। तो 100 डायमंड का गिव अवे था, तो टाई हुआ है, तो इसके लिए हम दोनों को 50-50 डायमंड देंगे। और तो आप, हम जो UPI भी आपको जो ID है वो भी शेयर करेंगे गाइज, आप देख सकते हैं ये कोई फेक नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।